हाय, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो सॉल्यूशन एंड ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन कर लिया हूँ वीएस कोड के अंदर। एंड यहाँ पे मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है वो ओपन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मार्क्स नाम का, ठीक है। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, मैंने एक मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है। मान लो मैंने राम नाम का स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 45 आया है, मैंने इसको स्टोर कर दिया। राम, मान लो श्याम नाम का भी एक श्याम नाम का एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 68 आया है, इसको भी स्टोर कर दिया। मान लो सीता नाम के एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स आया है 99, इसको भी मैंने कर दिया स्टोर, ठीक है। अब कोई बोले कि ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है, ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से राम, श्याम और सीता नाम का वेरिएबल मुझे निकाल के दे। तो ट्रेडिशनली हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे कि लेट राम इज इक्वल टू, राम नाम का जो वेरिएबल, लेट नाम इज इक्वल टू मार्क्स के अंदर हम लोग राम देंगे। फिर वैसे ही लेट श्याम इज इक्वल टू मार्क्स के अंदर हम लोग इसको श्याम देंगे। एंड वैसे ही लेट सीता इज इक्वल टू मार्क्स के अंदर सीधा देंगे। एंड कंसोल लॉग राम श्याम एंड सीधा हो जाएगा, ठीक है। सीता सीता, ओके। अब मैं यहाँ पे गो लाइव करूंगा। एंड गो लाइव करने के बाद क्या होगा कि ये बेसिकली मेरे ब्राउजर में खुलेगा। ब्राउजर में खुलने के बाद मैं इस पे करूंगा, राइट क्लिक करके इस पे करूंगा और कंसोल पे आऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे राम श्याम और सीता का मार्क्स मुझे मिल चुका है। लेकिन इसी चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्शन की मदद से बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, और यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस। लेट ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस राम कॉमा श्याम कॉमा सीता, ठीक है। इस इक्वल टू मैं कर देता हूँ मार्क्स, मार्क्स आप लोग डायरेक्टली मार्क्स लिख देना है, कंसोल लॉग आप लोग कर सकते हो, कंसोल लॉग आप लोग कर सकते हो राम कॉमा श्याम कॉमा सीता, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, सिंपली रिलोड करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो मुझे पहले वाला मार्क्स जो है वो यहाँ पे सिंपली मिल चुका है। अब यहाँ पे एक और बात होता है कि क्या मुझे यहाँ पे ऑर्डर को सेम, मतलब ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे राम है, श्याम है, सीता है, तो क्या पे राम सीता, राम श्याम सीता लिखना ही जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किशन, किशन नाम का स्टूडेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे किशन लिख देता हूँ, तो क्या किशन का स्टूडेंट मुझे मिलेगा। तो ये बात है कि किशन का स्टूडेंट आपको यहाँ पे, किशन का मार्क्स जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है उसी की मदद मतलब से आप लोग क्या कर सकते हो, इससे डिस्ट्रिक्टिंग कर सकते हो। जैसे किशन नाम का वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, की नहीं है, तो यहाँ पे किशन नाम का जो ऑब्जेक्ट, जो उसका वैल्यू हो वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिला है। तो ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसी नाम से डिस्ट्रिक्टिंग करना है, उसी वेरिएबल नेम से डिस्ट्रिक्ट करना है जिस नेम से आपका उस ऑब्जेक्ट के अंदर की बना रखा है, ठीक है। तो ये होता है भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लेना अपने चैनल कोड भी 360 के ऊपर। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।